तो आप लोगों को तो पता ही है कि दुनिया के अंदर पॉल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा मैजिक मेजर फैक्टर है हर चीज़ के लिए, चाहे हम इकोनॉमी को देख लें, चाहे महंगाई को देख लें, हर चीज़ को एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करता ही करता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में दोनों तरह से इफेक्ट करता है। तो अब इस चीज़ को कम करने के लिए, मतलब जो हमारा कार्बन का जो एक्सट्रीशन होता था, मतलब उत्सर्जन होता था, उसको कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, कार मैन्युफैक्चर कंपनी, जिन्होंने कहा है कि वो कुछ सालों में, मतलब आने वाले कुछ सालों में डीजल की गाड़ियां बनानी बंद कर देंगी। इसमें कुछ 6 ऐसी मेजर कार कंपनी है, मतलब बड़ी बड़ी कार कंपनी है, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है फिलहाल। तो और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हो सकता है कि वो डीजल गाड़ी के साथ साथ पेट्रोल गाड़ी भी बनाना बंद कर दें। अब ये तो वक्त आने पता चलेगा कि पेट्रोल और डीजल दोनों बंद होती है या सिर्फ पेट्रोल बंद होती है। और जो 6 कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से हमारी टाटा मोटर्स शामिल है, उसकी एक ब्रांच है, मतलब एक कह रहते हैं 10 कंपनी या वो कह लो साइड कंपनी जिसको उसने टेक ओवर किया था, वो थी जैगवार की लैंड रोवर, वो भी इसमें शामिल है। उसने ये कहा है कि आने वाले कुछ समय में तुम चला लो पहले कि हम पेट्रोल और डीजल गाड़ी बनाना बंद कर देंगे ताकि इस चीज़ को हम सपोर्ट कर पाए। और मैं आपको ये बता दूँ, अभी जो रिसेंटली एक समिट चल रहा है इसी से रिलेटेड, जिसके अंदर ये 6 कंपनियां इस चीज़ पे साइन करने वाली हैं, मतलब अपने अप्रूवल देने वाले हैं कि हम लोग 2040 तक डीजल और पेट्रोल गाड़ी बनाना बंद कर देंगे। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि कौन सी 6 कंपनियां जो 2040 तक, मतलब 2040 तक डीजल और पेट्रोल की गाड़ी बनाना बंद कर देगी। अगर आपको भी जानना है कौन सी कंपनी ऐसा करने वाली है ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा साइन करने वाली, क्योंकि सबमिट तो चल ही रहा है, 26 सबमिट है, ग्लासगो में COP सबमिट है, 26 सबमिट है, तो वहां पे ये 6 कंपनी अपना अप्रूवल देने वाली है। तो ध्यान से देखने वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी कंपनी जो मेजर मेजर कंपनी है ना, बड़ी बड़ी लैंड रोवर की बात कर मैंने स्टार्टिंग में करी है, तो सोच सकते हो कैसी कंपनी हो सकती है जिनकी रेपुटेशन काफी अच्छी होगी, तो वो तो ऐसे करेंगे करेंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मैं वीडियो को, इसमें बताता हूँ मैं कौन कौन सी कंपनियां करने वाली है। रॉयल्टी रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन की वॉल्वो, अमेरिका की फोर्ड जनरल मोटर्स, डेमलर एजी की मर्सिडीज बेंज, चीन की BYD और टाटा मोटर्स की जैगवार लैंड रोवर, ये 6 कंपनियां इस समिट के अंदर जो COP समिट होने वाला है ना ग्लासगो में, 26 समिट, उसके अंदर ये साइन करने वाली है ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो कार्बन का उत्सर्जन होता है गाड़ियों से मैक्सिमम, वो अब इनकी गाड़ियों से नहीं होगा 2040 के बाद, क्योंकि बनाने बंद कर देंगे तो बनेगा कैसे। ये जो मुहिम चल रही है इसके अंदर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को बंद करने का जो मोटिव है वो चल रहा है मैक्सिमम, ताकि जो पॉल्यूशन होता है वो कम से कम हो। और एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दो बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें शामिल नहीं हो रही है, एक तो टोयोटा मोटर्स कॉर्प, दूसरी फॉक्सवैगन एक ही बात है। इन दोनों कंपनियों की तरह ही अमेरिका, चीन और जर्मनी भी इस रेस में हिस्सा नहीं ले रहे, मतलब इस प्लेस में अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे, ये कह रहे हैं हम तो भैया बनाएंगे, तुम्हें सपोर्ट करना है करो, हमें नहीं करना। दुनिया के चौथे नंबर की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है स्टेलांटिस, जापान की होंडा, जर्मनी की BMW और साउथ कोरिया की हुंडई भी साइन नहीं करने वाली इस चीज़ को। राइड हेलिंग कंपनी इस प्लेस में शामिल हो सकती है, मतलब वो ये कह सकते हैं कि हम भी इस चीज में शामिल हैं, हम भी पेट्रोल और डीजल गाड़ी बनाना बंद कर सकते हैं, वो साइन कर सकती है, उम्मीद ऐसी है। ये जो पूरी मुहिम चल रही है ना, जो समिट चल रहा है COP समिट में, इसका जो मेन एम है, ये मेन एम है कि सिर्फ कार्बन उत्सर्जन जो होता है गाड़ियों से उसको कम करना है, मतलब अल्टीमेटली ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करना है, इसका सीधा सीधा मुद्दा ही है अल्टीमेटली। जब यही नहीं बंद जाएंगी तो भैया किसकी तरफ जाओगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाओगे। और गवर्नमेंट भी बड़ी चला गया, कहते रही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करेंगे, मगर कर नहीं रही है, क्योंकि उनका जो मेन रेवेन्यू स्टार्ट होता है या आता है वो यहीं से आता है, मेन मेजर फैक्टर यही है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ कर देगी तो लोग उसकी तरफ जाएंगे, तो उसका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगी, क्या एडवर्टीजमेंट करेगी, कहाँ बोर्ड लगाएगी अपने, इसीलिए वो सिर्फ बोल रही है, करती कुछ नहीं है। तो अब आने वाले समय में, मतलब 2040 में, आप लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ी नहीं देखोगे इन 6 कंपनी की जिनकी मैंने बताया। तो अगर आप लोग भी इन 6 कंपनी के फैन थे, मतलब इन 6 कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू अदर, अभी तो फिलहाल न्यूज़ में ये आया कि 6 कंपनी साइन करने वाली है, अभी और भी इसमें ऐड हो सकती हैं, अभी पता नहीं है, बस ऐड हो सकती हैं, अभी तो समिट चल रहा है, क्या पता ऐड हो जाए। इसके रिलेटेड मैं अपने इंस्टाग्राम में डालता रहूँगा कि कौन कौन सी कंपनी ऐड हो रही है, अगर आप चाहो तो मेरे को हमें फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको बाइक से कार से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरे चैनल में जुड़े रहना पड़ेगा, और शेयर कर सकते हो मेरी वीडियो बिना किसी दिक्कत के आराम से। बाकी इस वीडियो से भी तैयार, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लगे तो आपको पता क्या करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, ठीक है।